हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम, उसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। अब बात करने वाले हैं लेसन नंबर फिफ्थ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमें उसके टॉपिक दिए गए कि कौन से टॉपिक के बारे में हमें आज लेसन में पढ़ना है, जिसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है लोकेशन, कैलामिटीज, प्लांट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर, तो इन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में हम लेसन में पढ़ने वाले हैं। ये गियर अप दिया गया है। गियर अप का मतलब क्या है कि आपके जो पिछले स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें आपने ये क्या क्या पढ़ा हुआ है ना, वही आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद करके लिखना है। जैसे कि आपने टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े होंगे फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो एवरग्रीन कौन से ट्रीज है, उन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, जितने जितने दिए गए उन सब के एक एक एग्जाम्पल नीचे लिखना है, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं वो भी लिखना है। अब देखते हैं हमारा लोकेशन। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन एज द नेम इंडिकेटेड द आर फाउंड नियर द इक्वेटर बिटवीन द 0 degree एंड 10 degree नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टोरिड जोन एंड रिमेन हॉट एंड वेट ऑल द थ्रू आउट द ईयर। इफ यू लुक एट द मैप केयरफुली यू विल सी that it is spread over a part of the 3 continents, Asia, Africa and South America. ठीक है, अब यहाँ पे information papers भी दिया गया, तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। Rainforest are responsible for 28% of world's oxygen supply. अब इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पे location की बात कर रहे हैं कि equatorially जो forest है वो कहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, इक्विटोरियल का मतलब ही होता है विषुववृत्तीय जंगल। ठीक है, विषुववृत्तीय जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो कहाँ पे आए हुए हैं, तो हम सबको बताया कि नाम से ही पता चल जाता है इक्विटोरियल है, यानी कि इक्वेटर के पास ही कहीं पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है कि 0 degree से लेकर 10 degree। ठीक है, मान लो कि ये हमारा इक्वेटर 0 degree पे होता है, तो उसके 10 degree नॉर्थ में भी और उसके 10 degree साउथ में भी, और इन दोनों के बीच का जो भी एरिया है, ये सारा एरिया वहाँ पे इक्वेटोरियली रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और वो भी 3 continents में डिवाइड है। ठीक है, 3 जो महाखंड है ना, वहाँ पे वो आए हुए, उसमें नाम लिया गया है, तो एशिया है, अफ्रीका है और साउथ अमेरिका, ये तीनों तीन है। अब पेबल्स की बात कर ले, तो पेबल्स में क्या है कि दुनिया का 28% ऑक्सीजन है ना, वो इन रेन फॉरेस्ट को आभारी है। ठीक है, कि दुनिया का 28% ऑक्सीजन है वो इन्हीं इक्वेटोरियली रेन फॉरेस्ट के थ्रू ही आता है। अब हम मैप में बात करें, तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये हमारा इक्वेटोरियली लाइन, ठीक है, 0 degree पे, उसका 10 degree यानी कि ये लाइन, और उसका 10 degree साउथ लाइन, यानी कि ये जो बीच वाला लाइन है वो ये लाइन। ओके, तो इनके बीच में जो जंगल्स आए हुए हैं उसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियली रेन फॉरेस्ट। तो कौन से कॉन्टिनेंट में आए हुए थे, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एशिया में आए हुए हैं, इंडिया के पास में है। ठीक है, फिर है अफ्रीका, और फिर है साउथ अमेरिका। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से याद हो गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे। इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन इक्वेटोरियली रीजन आर इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। द रेन फॉरेस्ट कवर्ड द एंटायर ज़ेर यानी कि कॉन्गो बेसिन एंड द जीनिया कोस्ट इन द वेस्ट अफ्रीका। साउथ एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पार्ट ऑफ द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस जोन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में जो भी हमें यहाँ पे जंगल्स देखने को मिलते हैं इक्वेटोरियली रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर है, कोलंबिया है यहाँ पे, और वहां पे ब्राजील भी आया हुआ है। तो इन्हीं सारे कंट्रीज में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। अब बात करें तो अफ्रीका, तो ये अफ्रीका का वेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये अफ्रीका का वेस्ट पार्ट है। तो वेस्ट पार्ट में बात करें तो वहाँ पे कॉन्गो जो बेसिन है, ठीक है, यानी कि
जायर बेसिन, वहाँ पे एक जायर नाम की प्रजाति भी पाई जाती है, वहाँ के लोग जायर जायर है वो कहलाते हैं, ठीक है, जायर बेसिन है। और फिर है ग्यूनिया, ठीक है, क्या है ग्यूनिया, तो ग्यूनिया में भी वो पाए जाते हैं। अब बात करें तो एशिया में, एशिया में कहाँ है, एशिया में है यहाँ पे इंडिया के कुछ भागों में है, मलेशिया में है, ठीक है, सिंगापुर में भी है, इंडोनेशिया में भी है, श्रीलंका में भी है, ओके, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पार्ट पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट है, ओके। तो हमने ये सारी की सारी उसकी लोकेशन देख ली है। अब देखते हैं कैलामिटीज, वहाँ पे कैलामिटीज यानी कि क्लाइमेट कौन सा आया हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल। द ह्यूमिडिटी इज अ वेरी हाई बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ द इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्ज रिवर्स पाउंड सीज एंड द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स। रेनफॉल इज हैवी थ्रू आउट द ईयर विथ एन एवरेज बिटवीन द 250 एंड 350 सेंटीमीटर एनुअली। रेनफॉल इज accompanied with thunderstorm that is typically in the equatorial belt. There is only one season here which is hot and humid without any winter or spring. अब कला क्लाइमेट से, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ में धूप भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे हीट भी ज़्यादा गिरती है। तो हीट गिरने की वजह से वहाँ पे इवापोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना इवापोरेशन ज़्यादा होगा उतनी ही बारिश भी होगी। तो बारिश कितनी होती है, तो बारिश होती है 250 सेंटीमीटर से लेकर 350 सेंटीमीटर, ठीक है, उतनी बारिश होती है। और बारिश के साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी होते हैं, ठीक है, बड़े से बड़े तूफान्स भी होते हैं लाइटिंग के साथ। इसीलिए वहाँ पे एक तो ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, ठीक है, और वहाँ पे कोई दूसरी सीजन ही नहीं होती, ना तो विंटर आता है ना ही स्प्रिंग सीजन आती है, ठीक है, सिर्फ क्या आता है, समर और सीधा रेनी सीजन, ओके। और गर्मी की वजह से क्या होता है कि वहाँ का तापमान है वो भी मॉइस्चर होता है, ठीक है, मतलब कि गीला नहीं होता, वहाँ का तापमान है वो भी सूखा होता है। आगे देखते हैं प्लांट्स लाइफ में। सिंस द रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देयर इज एन luxuriant growth of the natural vegetation. The equatorial region is an evergreen region as all the trees remain green and do not shed their leaves at the same time. The tree grow in the different heights forming several layers. The tree of the region also have broad leaves and thick branches. आगे देखिए उसमें forming a canopy at their top. Mosses and lichen grow on the dump trunk and branches of the tree inside the forest. The equatorial forests are very useful. Ivy, mahogany, etc. provide a raw material for the industries. These forests also comprise creeper, orchids, lianas and tall trees. They relax oxygen. They release oxygen and a lot of the moisture into the air, which form thick clouds and result is heavy precipitations. In fact, that is why they are called rainforest. ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि वहाँ की plant life किस तरह से होती है। देखो वहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती है, ठीक है, और ज़्यादा ही इवापोरेशन होता है, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जितना पानी ट्रीज ने लिया है उतना ही वापस वो छोड़ भी देगा। इसके लिए उसको हम लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या कि वहाँ का जो वेजिटेशन होगा ना वो अच्छी तरह से ग्रोथ किया हुआ होगा, ठीक है, वहाँ के जो प्लांट्स है ट्रीज है वो काफ़ी हरे भरे हो गए, भले ही वहाँ का टेम्परेचर कितना भी ड्राई हो फिर भी वो हरे भरे ही हो गए। और दूसरी बात ये भी है कि उस जो जंगल से वहाँ के, ठीक है, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वहाँ की खासियत क्या है कि वो उसके जो पत्ते हैं ना वो एक साथ नहीं गिरते, ठीक है, जो स्प्रिंग टाइम में पत्ते गिर जाते हैं ना वो एक साथ नहीं गिरते, ठीक है, क्या होता है कि बारी बारी करके गिरते,
जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉरेस्ट है वो हमेशा के लिए एवरग्रीन हो जाता है। ठीक है, और ये जो सारे फॉरेस्ट है वो कई चीजों के लिए यूजफुल भी है, जैसे कि इबोई वहां से मिलता है, महोगनी है वो भी हमें वहां से मिलता है, जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज है और भी कई रस्सियों की इंडस्ट्रीज, तो उसको बनाने में के लिए काम आते हैं ये सारी बाय प्रोडक्ट्स। अब वहां पे बात करें तो हमें वहां से क्रीपर्स मिलता है, ऑर्चिड्स मिलता है, फिर लियनास मिलता है, और वहां के बड़े बड़े जो लंबे ट्रीज है वो भी मिलते हैं, और वहाँ के ट्रीज है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए वहाँ की जो हवा है वो मॉइस्चर युक्त होती है, ठीक है, मतलब कि बेज वाली भी होती है, और वहाँ के जो क्लाउड्स है वो भी पतले होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरेगी, ठीक है, जितने बादल पतले होंगे तो वो हवा के नीचे रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बारिश ज़्यादा गिरेगी, और इसीलिए उसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। एनिमल लाइफ इज इन द इक्वेटोरियल रीजन इज फाउंड इन द एब्यूडेंस, देर आर इनिमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ द इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, स्पाइडर एक्सेट्रा। एनिमल्स लाइक गोरिल्ला, चिंपांजी, वाइल्ड पिग्स एंड ओपिस आर फाउंड इन दिस रीजन। द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज ऑल्सो एन इनहेबिटेंट ऑफ द अमेजोन बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका। गोरिल्ला आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। बिग एनिमल्स सच एज जेगुआर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजियन। देयर आर एज वेल एज लार्ज वेराइटी ऑफ मंकीज एंड कलरफुल बर्ड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कई सारी प्राणियों की प्रजातियाँ वो देखने को मिलती है, और कई तो ऐसे भी होंगे जिसको हमने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन जंगलों में हमें जनरली बटरफ्लाई मिलते हैं, ठीक है, कलर कलर के डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाई मिलते हैं हमें यहाँ पे, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फिर मस्कीटोज मिलते हैं, मच्छर भी मिलते हैं बड़े छोटे, ठीक है, डेंगू वाले, डेंगू बिना के। फिर है स्पाइडर है, ठीक है, स्पाइडर का मतलब ही होता है, ठीक है, जाला बनाने वाला, तो वो भी है। डिफरेंट टाइप के जो भी स्पाइडर आते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ठीक है, गोरिल्ला और चिंपांजी में कई सारा डिफरेंस भी होता है। हमें यहाँ पे गोरिल्ला का पिक्चर दिया गया है, बॉडी गोरिल्ला है वो बंदर की तरह होता है लेकिन बहुत ही बड़ा भी होता है। ठीक है, और वाइल्ड पिग, ठीक है, जंगली जो शुअर आते हैं ना वो भी मिलते हैं। ओकपाई है, ठीक है, वो भी हमें वहीं पर मिलते हैं। अब बात करें तो फेमस एनाकोंडा स्नैक है, ठीक है, वो हमें अमेजोन जो बेसिन है ना, हमने बताया था जो आपको साउथ अमेरिका मैप में बताया हुआ था ना, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे ही है हमें अमेजोन की बेसिन, ठीक है, और वहीं पे हमें मिलते हैं एनाकोंडा। हम यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है एनाकोंडा का, ठीक है, तो ये है एनाकोंडा स्नैक। वो भी मिलता है साथ साथ जो गोरिला से, ठीक है, हमने यहाँ पे पिक्चर में दिखा हुआ है, तो वो ही गोरिला से वो भी वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। वेस्ट अफ्रीका है वो साउथ अमेरिका का एग्जैक्ट राइट साइड में आया हुआ है, ठीक है। और बड़े एनिमल में जैसे की बात करें तो जेगुआर है, क्रोकोडाइल से, एलिफेंट से, वो भी वही उसी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ साथ बात करें तो वहां पे अलग अलग वेराइटीज के मंकी भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मंकीज होते हैं ना, उसकी प्रजातियां वो देखने को मिलती है, और कलरफुल बर्ड्स भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करें वहां की ह्यूमन लाइफ, तो इक्वेटोरियल रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम एरिया सच एज द अमेजोन बेसिन, द ज़ेरी बेसिन एंड मेनी लार्ज आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस हैव एक्सट्रीमली स्पेयर पॉपुलेशन ड्यू टू द डार्क डेंस एंड डंप फॉरेस्ट। बंटू ट्राइबल आर फाउंड इन द ज़ेरी बेसिन। द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ द सुमात्रा इज पॉपुलेटेड बाई द जावास एंड द कुबूस। ठीक है, अब बात करें तो वहाँ की ह्यूमन लाइफ, वहाँ की ह्यूमंस किस तरह से रहते होंगे। ठीक है, तो अमेजोन बेसिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कहाँ पे आया हुआ है, तो वहाँ पे अमेजोन बेसिन के पास ज़ारिन बेसिन भी है, और कहीं आगे बात करें तो इंडिया के नज़दीक इंडोनेशिया जो आइलैंड है, ठीक है, और फिलीपाइन से वो भी हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से रहते, तो लोग हैं वो बहुत ही डार्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि धूप ज़्यादा गिरती है तो उसकी स्किन है वो जनरली ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, वहाँ की डेंस है, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो भी डंप है। ठीक है, डंप का मतलब क्या होगा कि
बहुत ही मिट्टियों वाला हो गया, ठीक है, ज्यादा बारिश गिरती है तो मिट्टी और कूड़ा कचरा फैल जाता है, इसीलिए। तो बात कर, तो जो मैंने बताया था जारिन बेसिन, ठीक है, तो जारिन बेसिन है वहां पे बंतू नाम के जो ट्राइबल्स है, ठीक है, हमें यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है कि बंतू किस तरह से होते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको बंतू कहा जाता है, वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है, जारिन बेसिन है वहां पे। अब इंडोनेशिया आइलैंड की बात करें, जो इंडिया के राइट साइड में आया हुआ है, तो वहां पे जो सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा नाम का प्लेस है, वहां पे दो ट्राइब्स रहते हैं, एक जावास और एक है काबूस, ठीक है, वो दोनों ही वहां पे रहते हैं। अब बात करते हैं माइलस्टोन में, तो मैं चाहता हूँ कि आप माइलस्टोन है वो जल्दी जल्दी एक बार फिल कर दें, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे, वो टॉरिड जोन में आया है, और टॉरिड जोन है वो बहुत ही कूल्ड और ह्यूमिड होता है, तो कोल्ड नहीं होता है, इसीलिए वहां पे नो आएगा, ठीक है, वो तो क्या होता है, ड्राई होता है। अब बात करें तो कैलामिटीज ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन रिमेन द कोल्ड थ्रू द ईयर, ठीक है, वो कोल्ड ही होता है पूरे साल, नहीं, ठीक है, वो रेनली होता है पूरे साल। अब बात करें तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, हाँ, वो तो बहुत ही यूजफुल होता है ये कोई भी जंगल हो। आगे बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन एनिमल लाइफ इज फाउंड इन द एविडेंस, हाँ, तो वो एविडेंस है क्योंकि वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। बंतू ट्राइब से वो हमें जेरिन बेस के जो बेसिन है वहां पे मिलता है, तो हाँ वो भी सही बात है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर लाइफ में, सम पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्रूप्स लाइक मजाई राइस कैसावा आर ग्रोवन आफ्टर द क्लियरिंग अपेक्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉर टू टू थ्री ईयर्स, आफ्टर सम टाइम व्हेन द फर्टिलिटी द लैंड डिमिनिस द पीपल मूव टू अ न्यू एरिया, ठीक है, वहां पे ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन है वो होता है। अब मैं बताता हूँ कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, ठीक है, मान लो कि ये पूरा का पूरा जंगल एरिया है, ठीक है, ये हमारा जंगल एरिया देखने को मिलता है। अब जंगल एरिया में मान लो कि हमने इस पार्ट में अभी के लिए फर्टिलाइजिंग का काम शुरू कर दिया है, ठीक है, अभी के लिए हमने इस एरिया में फार्मिंग का काम शुरू कर लिया है, फिर क्या करेंगे कि इन सारे एरिया में तो अभी जंगल ही आए हुए, तो जब ये लैंड है ना वो अनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, अब वहां पे कुछ भी ग्रो नहीं होगा, तो क्या होगा कि हम जंगल के दूसरे एरिया में वापस ग्रो करने का शुरू करेंगे, और दूसरे एरिया में ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी जंगल होंगे ना उसको कट करेंगे और 2-3 साल तक खेती करेंगे, ठीक है, वहीं पे फार्मिंग करेंगे, ताकि क्या होगा कि ये लैंड है जो उसने अपनी फर्टिलिटी घुमा दी है वो फर्टिलिटी वापस आ सके, ठीक है, इसी इसी को कहते हैं शिफ्टिंग खेती, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको दूसरा नाम ये भी कहा जाता है कि जूमिंग खेती, ठीक है, जूमिंग फार्मिंग। अब देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज वाइडली प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप्स, थ्रू दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोवन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल पर्पज, द क्रॉप्स ग्रोवन इन दिस प्लांटेशन इंक्लूड टी, कॉफी, रबर और कोको। अब बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम कोई भी ट्रीज को ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही कोई हम फार्मिंग करेंगे, वहां पे हमें सिर्फ प्लांट लगाना है, और प्लांट से जो भी पत्ते हो गए या उसकी जो ड्राई प्रोडक्ट होती है उसी को हम डायरेक्ट मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बात करें तो हम टी है, ठीक है, टी जो टी आती है ना उसका जो क्रूप होता है उसके पत्तों को हम निकाल के उसी से हम टी की रेसिपी बनाते हैं। अब बात करें कॉफ़ी है तो उसके भी जो फ्रूट आते हैं ना उसमें होता है, रबर की बात करते हैं, कोका की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होते हैं, और जनरली ये इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। इंडिया में बात करें तो कश्मीर है, वहाँ पे ज़्यादा टी होती है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में होता है। अब देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में देखते हैं, यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिए गए तो एक बार जल्दी जल्दी एमसीक्यू देख लेना, ठीक है, वो आपको आ ही जाएंगे। और हमें यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी डेफिनेशन दी गई है, और प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है ना वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिसको हम तात्कालिक असर से बेच सकते हैं, ठीक है, जल्दी से हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो हमने सारा एमसीक्यू टिक कर दिए, तो एक बार अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है।
जैसे कि 0 से 10 डिग्री के बीच में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, बंटू ट्राइब्स है वो ज़ेरिन बेसिन में है, ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रीज है वो ब्रॉड लीव्स होते हैं उसके, इक्वेटोरियली रेन फॉरेस्ट को है वो ज़ेरिन बेसिन में पाए जाते हैं, फिर जो वेजिटेशन है वो लग्जरियंट है, ई बॉय और महागोनी ट्रीज है वो हमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। वन वर्ड में आंसर भी दिए गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो मैंने पहले ही टिक कर दिए थे, ठीक है, वहाँ पर पेज नंबर पर एक बार देख लेना। और यहाँ पर हमारा यूनिट है वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू।